Ladies and gentlemen, Srimati Draupadi Murmu, the President of India, along with the Chief Guest, His Excellency Abdel Fattah al-Sisi, the President of the Arab Republic of Egypt, have arrived. Devyo Sajjano Manani Rashtrapati Mahodaya ka agaman unke saath. And deep-rooted people-to-people ties. Over the past year, President al-Sisi and our Honourable Prime Minister Shri Narendra Modi have had several meetings to explore new ways of bringing the two countries together and elevating it to new horizons. कमांडेंट द्वारा राष्ट्र सलामी की कमान दी जाएगी, जिसके साथ ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, राष्ट्रगान की धुन बजाई जाएगी और 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। आप सभी से इस दौरान आपने दिसंबर 1986 में सेकंड लांसर्स में कमीशन प्राप्त किया। अपने पूरे कैरियर के दौरान जनरल ऑफिसर ने फर्स्ट हॉर्स नामक आर्मर्ड रेजिमेंट P-90 टैंक से लैस एक आर्मर्ड ब्रिगेड जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स की एक्टिव सेवा काल में आपने कमान के BGS ऑपरेशंस के साथ साथ सेना मुख्यालय में पर्सपेक्टिव प्लानिंग आर्मर्ड वॉरफेयर में कर्नल अनुदेशक के अलावा संयुक्त राष्ट्र मिशन अंगोला में ऑपरेशंस ऑफिसर का भी कार्यभार संभाला। अपने कैरियर के दौरान आपका आर्मी कोर्सेज में बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। आपने यंग ऑफिसर जूनियर कमांड कोर्स और डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कोर्स वेलिंगटन में सर्वश्रेष्ठ छात्र होने का सम्मान पाया। आपने पेरिस फ्रांस में प्रतिष्ठित कमान जनरल स्टाफ कोर्स हायर कमांड एरिया के पद पर पदासीन है। इन्हीं के ठीक पीछे परेड उप कमांडर मेजर जनरल भवनीश कुमार विशिष्ट सेवा मेडल आ रहे हैं। मेजर जनरल भवनीश कुमार 16 दिसंबर 1979 को पैराशूट रेजिमेंट की 3rd बटालियन में कमीशन हुए। अपने 3 दशकों के विस्तृत सेवा काल में जनरल ऑफिसर को सभी क्षेत्रों में ऑपरेशनल अनुभव रहा है। इनमें उत्तर पूर्व में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, सियाचिन में उच्च तुंगता क्षेत्र एवं पश्चिमी सीमा में रेगिस्तान सेक्टर शामिल है। आपने पश्चिमी फ्रंट पर स्ट्राइक कोर के एवं कश्मीर में माउंटेन ब्रिगेड के कमांडर रहे एवं पश्चिमी सीमाओं पर रैपिड स्ट्राइक डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग भी रहे। रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज आर्मी वॉर कॉलेज सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन बाला सिंह परमवीर चक्र सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव कर्तव्य पथ पर जन भागीदारी श्रमयोगियों का सम्मान दिखा वो कागज जुगनुओं सा चमकने लगा जिस पर अंधेरे में मैंने उंगलियों से हिंदुस्तान लिखा। अब आप देखेंगे लौह बल मैकेनाइज फोर्सेस किस प्रकार कर्तव्य पथ पर अश्वारोही दस्ते के नेतृत्व में अपने स्पादी इरादे से देशवासियों का परिचय कराएंगे। सुनामी मंच की ओर ग्वालियर लांसर की समारोहित पोशाक में 61 कैवलरी का दस्ता दस्ते की कमान कैप्टन रायजादा शौर्य बाली संभाल रहे हैं। विश्व में अपनी तरफ की अकेली सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट होने का गौरव हासिल। 1 अगस्त 1953 अब तक एक पद्मश्री एक सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक 12 अर्जुन पुरस्कार ऑलराउंड एंटी टैंक वॉरहेड प्रोटेक्शन मच हायर देन अवेलेबल इन कंपेरेबल 3rd generation टैंक। Four-man crew MBT is augmented with an array of systems including FCS, Integrated Fire Detection and Suppression System and NBC Protection System. The motto of the regiment is Sahasam Vijayate. जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की प्रयोगशाला हैदराबाद द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है।
इसमें एक नामिका ट्रैक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल शामिल है जिसमें क्रूलेस टरत है जो कि 6 नाव एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को फायर करने में सक्षम है। नाव मिसाइल एक स्वदेशी फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसकी प्रभावी रेंज 4 किलोमीटर है। यह टैंडम वॉरहेड लॉक ऑन बिफोर लॉन्च टॉप अटैक और भाग रहे दुश्मन की बख्तरबंद दस्तों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। आदर्श वाक्य 17 मिनट हर मैदान फतेह। Approaching the saluting dais is the mechanized column of infantry combat vehicle BMP-2 of mechanized infantry regimental center led by Captain Arjun Sidhu of 6th Battalion Mechanized Infantry Regiment. ICV BMP-2 named Sarath, a high mobility infantry combat vehicle which possesses lethal weapons and night fighting capability. It can operate effectively in all battlefield terrains of desert, mountains or high altitude area. The motto of the regiment is valor and faith, which means Veerta or Vishwas. Pistol se Tejas Viman tak, drone se Mangalyaan tak. निर्भरता के नए कीर्ति स्तंभ गढ़ता आधुनिक भारत इसी स्वावलंबन को दर्शाता अगला दस्ता क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल का तीसरी बटालियन लद्दाख स्काउट्स के कैप्टन नवीन खतरबाद द्वारा मार्गदर्शन इन्फेंट्री के लिए विशेष रूप से परिकल्पित एक स्वदेशी वक्तपर वाहन जो आतंक विरोधी अभियानों में स्कॉट प्रोटेक्शन एवं आर्मर्ड पर्सनल कैरियर के रूप में बेहद उपयोगी लद्दाख सिक्किम एक ऐसा फौलादी कवच जो हमारी क्विक रिएक्शन क्षमता को और कारगर बनाते हुए मैं बाधाओं से नहीं बाधाएं मुझसे करती है। कुछ ही मिनटों में तहत नाले जैसी दुर्गम बाधाएं पार कराने में सक्षम DRDO द्वारा निर्मित ये स्वदेशी पुल दर्शाते हैं कि भारतीय सेना के मैकेनाइज तंत्रों का मार्ग कोई बाधा रोक नहीं सकती। न रुकेंगे न झुकेंगे बस आगे बढ़ते रहेंगे। आत्मनिर्भरता की दिशा में बलाकर रेजिमेंट का आदर्श अग्रणी अजय जी हासिल करने में हमेशा आगे। The next attachment, ladies and gentlemen, is of mobile microwave node and mobile network center of 4 of signals led by Major Muhammad Asif Ahmed of 2 Army Headquarters Signal Regiment. The column consists of 2 vehicles, a mobile microwave node along with mobile network center. Major Mahima Kataria of 2 Army Headquarters Signal Regiment is in charge of the mobile network center. The mobile microwave node is developed indigenously and upholds the Atmanirbhar Bharat mission. The motto of the corps is Tibra Chaukas, which means swift and secure. To Pakistan's Air Force post the Balakot airstrikes. Motto of the corps of Army Air Defense is Akashe Shatrun Jahi. Unhe guman ki meri udaan kam hai. Unhe guman ki meri udaan kam hai. मुझे यकीन कि आसमान कम है। आकाश मिसाइल के मैकेनाइज दस्ते के बाद हमारी है गौरवशाली मार्चिंग दस्तों कर्तव्य पथ पर शौर्यपूर्ण कदमों से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते मार्चिंग दस्ते कुछ ही समय में मंच के आगे से गुजरेंगे। सबसे पहले मैकेनाइज इन्फेंट्री का दस्ता नेतृत्व तेज मैकेनाइज इन्फेंट्री बटालियन के कैप्टन हर्षदीप सिंह सोही द्वारा बाधाएं आती है आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं पांव के नीचे अंगारे सर पे बरसे यज्ञ ज्वालाएं निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा। इस रेजिमेंट है दिशा दिशा में जय भारत की बोलियां। रेजिमेंटल सेंटर का शियायुक्त बैंड शेरे जवान की सुर लहरियां बिखेरता हुआ बैंड में 100 शूरवीर संगीतकार शामिल हैं। नेतृत्व राजपुताना राइफल्स रेजिमेंट के सूबेदार राजेंद्र द्वारा और इनका साथ ले रहे हैं आर्मर्ड कोर सेंटर एवं स्कूल के नायब रिसालदार मंटू मंडल पैरासो रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार राजेंद्र सिंह। परंपरागत सैन्य समारोह सैनिक का मैदान या अन्य समारोह सैनिक उन्हें हमेशा जोश का संचारण करती आई। Contingent is from the Punjab Regiment led by Captain Aman Jagtap of 23rd Battalion, the Punjab Regiment Longbala. Punjab Regiment is the only infantry regiment to have a naval insignia, the galley, which was awarded in 1839 in recognition of its voluntary crusade overseas first time. Sasrika, marching smartly, forming a graphic mosaic, truly the Punjab Regiment.
महान मराठा सर आएगा दुश्मन की नियत में कोई खोट, मेरी अब हुंकार बनेगी उरी बालाकोट। अगला दस्ता गलवान के बलवान बिहार रेजिमेंट का, स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 12वीं बटालियन द बिहार रेजिमेंट के मेजर रत्नेश तिवारी के नेतृत्व में। दो थिएटर ऑनर, एक बैटल ऑनर, कुल 351 वीरता पुरस्कारों से सम्मानित। 3 अशोक चक्र, 3 महावीर चक्र, 13 कीर्ति चक्र, 16 वीर चक्र, 47 शौर्य चक्र। आदर्श कर्म ही धर्म, युद्ध घोष बोल बजरंग बली की जय। ठीक उन्हीं के पीछे सुर ताल और लय के कर्मों से बढ़ता अगला दस्ता। जिंदगी में मुश्किलें तो सुर है, लय है, गीत है, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। संयुक्त मिश्रित बैंड दस्ता, असम रेजिमेंटल सेंटर, महा रेजिमेंटल सेंटर और जम्मू कश्मीर राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर का। 100 संगीता के शामिल नेतृत्व कर रहे हैं महा रेजिमेंटल सेंटर के सुबेदार मेजर दिग्गज सिंह। यह बैंड वीर कारगिल की जोशीली धुन बजा रहा है, कर्तव्य पथ की फिजाओं में मिठास घोलता, आनंद ले इस सुरमई धुन का। झंडा मुर्मू रामरो अर्थात आयरता के जीवन से मौत भली, युद्ध घोष जय महाकाली आयो पुरखाली। वतन की सर बुलंदी में हमारा नाम हो शामिल, गुजरते हमको रहना है सदा ऐसे मकामों से। मंच की ओर अग्रसर अगली झांकी हमारे पूर्व सैनिकों की, जो भारत के अमृतकाल में पूर्व सैनिकों की प्रतिबद्धता की विषय वस्तु पर आधारित है। अगले भाग में चित्रित भारत वर्ष का 3D नक्शा प्रत्येक आजादी के 75 वर्षों में सीमाओं की देखने वाले के संकल्प का तीनों सेनाओं के लोगों प्रति आपसी समन्वय एवं तालमेल की नारी शक्ति को दर्शाते हुए पहली बार महिला पूर्व सैनिक याचिका त्यागी भी इस दस्ते में शामिल है। On the heels of Indian Navy marching contingent, we have Indian Navy tableau. On the feet, Indian Navy combat ready, credible, cohesive and future proof, showcasing the multi-dimensional capabilities of the Indian Navy. Nari Shakti in the form of presence of Agni Veer and heat indigenously designed and built induction under Atmanirbhar Bharat. The tableau commanders are Lieutenant Commander Inderjeet Singh Chauhan and Lieutenant The forward part of the tableau depicts women air crew of Dornier aircraft flying overhead, highlighting all women crew surveillance sortie undertaken in the year 2022. Here come the men in blue. Warrant Officer Ashok Kumar, Vishisht Seva Medal, leading the Air Force Band, playing the tune Sound Barrier Quick March. The band comprises 3 drum majors and 72 musicians. Dressed in colorful ceremonials, this band has enthralled its audience across the country and overseas. And behind the Air Force band is the marching contingent of the Indian Air Force. The Indian Air Force marching contingent comprising 144 air warriors, officers led by squad leader Sindhu Reddy, and up in the air, 3 MiG-29 air superiority fighters flying in big formation led by group captain Chitwan Arora. The 3 supernumerary officers of the aircraft carries indigenous payloads, having enmeshed linkages with GSAT-7A, the ISCCS and other flying platforms depict how well the Indian Air Force has embraced NCAA. The role of infantry vehicles, CBRN vehicle and ATGM transporter. Safety gun trailer is equipped with state-of-the-art hydraulic suspension for better mobility. कर्तव्य पथ पर अडिग अजय अखंड भारत का, गणतंत्र का राष्ट्रव्यापी प्रतीक, राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रमाण है कर्तव्य पथ। घर में जाऊं रण में यूं ठन, कान खोलकर सुन ले। नेतृत्व कर रहे हैं वारंट ऑफिसर राजेश कुमार, बाइक बैंड का हवलदार पूर्ण बहादुर राय, 83 संगीतकार, असम राइफल्स के सिपाही। देश की हमने शान बढ़ाई कि मधुर धुन बजाते हुए तो आनंद ले इस सुरमई धुन का, संगीत शौर्य शक्ति का। गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट मार्सी शेलर एंड असिस्टेंट कमांडेंट निमिषा सोमवारकर। कोस्ट गार्ड इज द फर्स्ट फोर्स टू एम्प्लॉय वुमेन ऑफिसर्स इन ऑपरेशन रोल एट सी। वन ऑफ द प्राइमरी ड्यूटीज ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड इज प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग थ्रू मैरिटाइम रोड्स। मोटो ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड इज वयम रक्षामः, व्हिच मींस We protect. Ora.
सीआरपीएफ के ब्रास बैंड के ठीक पीछे है नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए सीआरपीएफ का एकमात्र पूर्ण नारी प्रधान दस्ता जिन्हें पीस कीपर्स ऑफ द नेशन के नाम से जाना जाता है। दस्ते की कमान संभाल रही है असिस्टेंट